हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। और आपका स्वागत है अंजनी सुरभि ब्लॉग में। और आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 12। और इस समय काफ़ी धूप है। चाहे धूप हो चाहे कुछ भी, काम तो करने ही पड़ते हैं। और इस समय हमारे घर पे आए हैं, कोई ग्राहक आया है जो टॉयज़ के लिए। वैसे तो शॉप पर ही ज़्यादातर लोग बाग जाते हैं, बट कभी कभी इस समय मंडे का दिन है तो शॉप जल्दी भर जाती है। तो इस समय वैसे और कभी इस समय क्या है, सीज़न भी चला है तो कभी ग्राहक ज़्यादा होते तो कभी घर पे भी आ जाते हैं। तो इस समय जो ग्राहक आए हैं हमारे घर पे, देखिए टॉयज़ के, और ये आए हैं बाहर से इटावा से। तो हमारे घर पर मतलब जो होलसेल में काम होता है टॉयज़ का, तो इस समय सीज़न चल रहा है मेले का। तो इस समय देखिए अंजनी सामने बैठी हुई है, तो धूप है ना इसलिए वो अच्छे से नहीं दिख रही है। वो अंदर गेट कमरे में बैठी हुई है, देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। तो ये गेट लगा रही है। और अंजनी इस समय आंगन में, ऊपर हम छत पे हैं तो ऊपर कुछ ढका बंद नहीं है, खुला हुआ है, इसलिए बहुत धूप है इस समय यहाँ। कब मौसम का कुछ पता ही नहीं चला, कभी तो इतनी तेज धूप होती है और कभी तो ऐसे बादल हो जाते हैं कि नीचे पूरे घर में पानी पानी। और इस आंगन खुला हुआ है इसलिए। और देखिए इस समय टॉयज, बट पहले जैसे जो मेले में जो टॉयज बिकते थे वो बात अलग ही रहती थी। कितने लोग आते थे। सीजन 2 साल से जो कोरोना हुआ है तो मेले तो वैसे भी हुए नहीं है, पर इस बार फिर भी हुए हैं, पर इस तरह से नहीं हुए हैं जैसे हर साल, जो पहले 2 साल से पहले जो मेले होते थे। तो हमारे घर पर जब मेले होते थे तो इतने ग्राहक रहते थे, लेकिन इस समय सावन सारे बीत गए। बट एक फर्स्ट टाइम मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई पहली बार ही आए हैं गोरी भर के इस सीजन में जिनमें इटावा से। तो और बहुत सारे टॉयज हमारे यहाँ मिलते हैं, होल सेल में मिलते हैं। और हमारी जो शॉप है लोहा गली में है, आगरे में फेमस है लोहा गली होल सेल मार्केट में। कोई क्योंकि क्या है, आगरा फोर्ट के पास भी है, बिजली घर के पास, तो मेन मार्केट यही है लोहा गली आगरे की। यहाँ आपको हर चीज़ होलसेल में मिलेगी, कॉस्मेटिक हो चाहे कोई भी कपड़े का हो, सब कुछ आपको ज़्यादातर होलसेल में मिल जाएगा लोहा गली में। और हमारे यहाँ जो काम मेरे हस्बैंड करते हैं ये टॉयज का, तो ये अंजनी आ गई है नीचे। मतलब कोई भी घर पे आता है ना तो अंजनी के यही हाल रहते हैं। ये है छोटे से जो कप के सेट आते हैं ना, तो हमारे यहाँ पूरी वैरायटी है, बड़े से लेके छोटे तक, मतलब आपको किचन सेट मिल जाएंगे। और जो आपको मेलों में जो टॉयज़ मिलते हैं, जैसे कि कुछ डंडे वाले होते बैलून्स वगैरह और गाड़ियाँ, मतलब मेले का पूरा आइटम हमारे यहाँ होल सेल में। लेके आओ इस तरह से, ये देखिए ये लेके जा रहे हैं, मतलब पूरा पूरा जो डिब्बा होता है वो लेके जाते हैं। अम्मा के पास नहीं बेटा, अम्मा सो रही हैं। पर धूप कितनी पड़ रही है आप, पर ये है काम तो करना ही है कितनी भी धूप हो। पर हम तो फिर भी घर में बैठे हैं, पर ये मेले के लिए जो ये जा रहे हैं उनके लिए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। धूप में लेके खड़े रहना, बैठना वहाँ पर, फल लगाना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। तो इस समय हम माल ऊपर से नीचे उतार के ले आए हैं और पापा जी हिसाब लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माल बिल्कुल एकदम प्रॉपर से पैक करके ही दिया जाता है, जिससे कि बाहर का कोई भी आता है तो माल अच्छे से ले जा सके, उसका कोई माल टूटे ना। तो पूरी वैरायटी आपको, और रेंज भी हमारे यहाँ बहुत ही रीजनेबल है। तो होल सेल में तो वैसे भी आप कहीं भी जाएंगे तो आपको एक ही रेट मिलेगी, होल सेल है। आ रही है आपकी, और आ रही है बहुत सारे टॉयज, मतलब मैं तो अभी तो कई क्योंकि तो मुझे नाम भी नहीं पता है, और पर मैं थोड़ा थोड़ा पापा जी से सीख गई। नाम तो इतनी गाढ़ी है और कभी कभी कुछ कहते तो समझ में नहीं आती है,
चाटू पे गुड़िया दे है ना जी। हां चाटू दे बराबर है क्या? हां है बता दो। अरे काके गोरो है ना तन गोरो ये ना चले रे गोरो ये बच्चे वाले सारे पति गुड़िया है। तो ये देखिए अंजनी आगे पीछे, मतलब कोई ये साइकिल इस समय कोई समय नहीं है साइकिल चलाने का, और धूप में वो साइकिल चला रही है। वैसे उसकी कोई नहीं होगा तो उसकी साइकिल पड़ी ही रहेगी, वो चलाती नहीं, शाम को भी नहीं चलाती है, बट वो समय धूप में साइकिल चला रही है। अब मैं ऊपर जाऊंगी गेट बंद करने, क्योंकि हमारे जो ऊपर है बंदर आ जाते हैं। हमारा पूरा जो ऊपर का जो पोर्शन है ऊपर का खुला हुआ है, तो यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। अभी एक बार मेरे से गलती से गेट खुला रह गया था तो वो अंदर घुस गए थे। तो ये देखिए हमारे माल पूरा अंदर भरा हुआ है। देखिए सावन बीत गए पर माल अभी हमारा सेल आउट नहीं हुआ है, मतलब समय मेले में जो पहले जैसे मेले थे वो बात अब नहीं रही है। और अब अंजनी को भी थोड़ी सी भूख लग आई, तो मैंने उसके लिए आलू फ्राई किए हैं। आलू को घी में हल्का सा रोस्ट करके और उसमें से लेमन और हल्का सा काला नमक आप डालें, इससे हल्का सा स्नैक्स है। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, मेरे लाड़ों को बहुत पसंद है ये आलू फ्राई करके देना। और समय देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल माल पैक हो गया, पापा जी ने कर दिया, और अब जो ग्राहक है वो अब जा रहा है। मतलब हम इस तरह से पैक करते हैं जिससे कि पानी बरसात का मौसम है उसके माल गीला ना हो, क्योंकि कार्टून होते हैं वो गीले हो जाते हैं और पानी पड़ जाए तो। तो ग्राहक भी गया और हमारा वीडियो भी आज का यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। से गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।